दोस्तों, अगर आप भी बहुत ही नए तरीके से बनाए जा रहे इस सीढ़ी को पसंद करते हैं और अपने सपनों का महल यानी कि अपने बनते हुए घर में इस तरीके के सीढ़ी को शामिल करना चाहते हैं, बहुत सही वीडियो का चुनाव आपने किया है। हर एक डिटेल दोस्तों मैं मेजरिंग टेप के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल दूंगा दोस्तों, और साथ ही साथ इसको बनवाने में कितना जगह लिया है, ठीक है, कितना जगह डिस्टर्ब हो रहा है, किस जगह का आप इस्तेमाल कर पाएंगे, पूरी चीजें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, डायरेक्ट से साइट से मैं आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूं, तो आप इस बात के लिए एक वीडियो को लाइक दे करके शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनका घर बन रहा होगा, अगर पॉसिबल हो तो वो भी इस तरीके की सीढ़ी बनवा पाए। दोस्तों, सीढ़ी की हर एक जानकारी दूंगा, सबसे पहले बेसिक कुछ क्लियर कर लिया जाए। दोस्तों, इस वाले सीढ़ी का जो ट्रेड रहेगा जिसपे हम पांव रखते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 इंच का दिया गया है जो कि काफी सही है, और साथ ही साथ दोस्तों जो है वो 6 इंच का राइजर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी जो है वो नॉर्मल और साथ ही साथ दोस्तों स्टैंडर्ड साइज का यहाँ पे ट्रेड और राइजर दोनों चीजें दी गई है। बहुत से लोग दोस्तों क्या करते हैं कि जगह की बचत करने के लिए ये जो राइजर है ना, ये सीढ़ी का जो आप देख सकते हैं जो स्टेप है दोस्तों, उसकी मोटाई बढ़ा लेते हैं। जगह तो आपको जाहिर सी बात है दोस्तों कम लगता है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर जिनका उम्र हो गया या फिर जिनके घुटने वगैरह में प्रॉब्लम चलता है, उनको इस सीढ़ी का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आता है। ऐसे में दोस्तों 6 इंच से ज्यादा जैसे कि इस सीढ़ी में दिया जा रहा है, ये काफी परफेक्ट साइज है दोस्तों। इससे बहुत ज्यादा जगह की भी बर्बादी नहीं होती है, मतलब जितना जगह आपको चाहिए स्टैंडर्ड उतना जगह तो आपको लगेगा ही, ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों चढ़ने उतरने में भी इस तरीके के सीढ़ी बहुत ही सही रहते हैं। और लुक वाइज ये सीढ़ी आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आपको और डिटेल में आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस वाले सीढ़ी की जो चौड़ाई है, तो वो चौड़ाई मैं आपको दिखा दे रहा हूं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे 3 फीट 3 इंच इसका चौड़ाई रखा गया है। आप देखेंगे दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस तरीके के जब भी आप सीढ़ी बनवाते हैं, नॉर्मल सीढ़ी में 3 फीट 3 इंच चलता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके के अगर आप सीढ़ी बनवा रहे हैं तो जाहिर से बात है दोस्तों आपको इस सीढ़ी के दोनों साइड इस तरीके से आपको रेलिंग लगवाने होंगे, और ऐसे में दोस्तों 3-3 इंची दोनों माइनस करके हमें चलना चाहिए। लगभग 3.5 फीट का अगर दोस्तों आपका सीढ़ी का चौड़ाई रहेगा तो वो देखने में काफ़ी सही लगेगा दोस्तों, चूँकि अगर बीच में बहुत ही कम जगह बचेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो लुक नहीं आ पाएगा दोस्तों जो आप अपने हॉल को देना चाहते हैं। सीढ़ी का तो हमने डायमेंशन देख लिया दोस्तों, अब ओवरऑल डायमेंशन देख लेते हैं कि ये सीढ़ी बनाने के लिए कितना जगह की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से इसको बनवाया जाएगा। दोस्तों, इस वाले सीढ़ी को देख करके आपको घबराना नहीं है, बल्कि बेसिक अपने क्लियर रखने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि 10 इंच ऊपर में है ना, ये राइजर जो है वो आप देख सकते हैं 6 इंच का है, लेकिन ये जो ट्रेड है दोस्तों आप देखेंगे 10 इंच का है, ठीक है। ये 10 इंच का ऊपर में है ना, तो आप देखेंगे ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी 10 इंच का ही, मैं आपको दिखा दे रहा हूं इस तरीके से, ये आप देखेंगे दोस्तों ये भी 10 इंच का ही है, ठीक है। अब दोस्तों राइजर आप देखेंगे जो हाइट इसका है वही हाइट दोस्तों इसका भी है, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यहां देख सकते 6 इंच राइजर है, तो नीचे में भी देखेंगे दोस्तों यहां पर 6 इंच ही जगह लिया है, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको हर एक स्टेप के लिए अलग से बांस बल्ले के साथ शटरिंग, पहले ही मैं बता चुका हूं दोस्तों जब इस सीढ़ी को बनाया जा रहा था, मैंने आपके लिए शटरिंग का फुल वीडियो इसी चैनल सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट चैन स्टेयर करके डालेंगे दोस्तों, तो ये शायद वीडियो आपको सजेशन में आ जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट स्टेयर डिजाइन भी करेंगे दोस्तों, तो ये सीढ़ी आपको रिकमेंड कर सकता है। लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, वो ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, इस वाले को तो कास्टिंग करना, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए शटरिंग अलग से करना है, फिर इस तरीके से जो स्टेप आपको दिख रहा है ना, शटरिंग करना है और आपको यहां पे बांस बल्ले का सपोर्ट देना है, फिर यहां पे बांस बल्ले का सपोर्ट देना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। डायमेंशन आपने देख लिया, 10 इंच यहां भी है, 10 इंच वहां भी है, ठीक है। और जो इसका रेनफोर्समेंट है दोस्तों, रेनफोर्समेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, कवर माइनस करके दोस्तों इस तरीके से आप एक रिंग बना लेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से कवर माइनस करके एक रिंग बना लेंगे, और फिर दोस्तों इस तरीके से कवर माइनस करके एक रिंग बना लेंगे, और बस इसी पैटर्न को दोस्तों आप फॉलो करते चले जाएंगे, तो आपका सीढ़ी का रेनफोर्समेंट का जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। शटरिंग वाले वीडियो में दोस्तों मैंने आपको रेनफोर्समेंट भी दिया था, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको जो है वो बिल्कुल उस वीडियो का मैं लिंक भी डाल दे रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य एक बार चेक कर लीजिए।
अब चलिए दोस्तों इसकी जो है वो पूरा का पूरा ओवरऑल लेंथ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों बिल्कुल उस वाले दीवार से यहाँ पे दोस्तों 7 फीट के करीब में ये जगह ले रहा है, ठीक है, 7 फीट यहाँ पे ले रहा है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना चाहिए, सीढ़ी को इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों जितना सीढ़ी का चौड़ाई आपने रखा है लगभग उतना ही जगह आपको इधर भी होने चाहिए। तो लगभग दोस्तों ये 10 फीट का लेंथ आपको रखना होगा। लेकिन एक चीज का और आपको ध्यान देना होगा दोस्तों कि ये सीढ़ी बहुत ही कम जगह डिस्टर्ब कर रहा है, बस इतना ही जगह डिस्टर्ब कर रहा है और दीवार से 3 फीट इधर दोस्तों डिस्टर्ब करेगा, बाकी पूरा का पूरा जगह है। इतना जगह है दोस्तों कि उसके नीचे से आप एंट्रेंस वगैरह भी दे सकते हैं या हॉल वगैरह में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसका लेंथ भी लंबाई भी दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे दोस्तों उस वाले बीम से, ठीक है, ये वाला जो बीम है ये कॉलम से आप ले सकते हैं, इस वाले कॉलम से दोस्तों ये बीम होते हुए इस वाले कॉलम तक दोस्तों मेजरिंग कर लिया जाए तो पूरा का पूरा हमें डायमेंशन इसका मिल जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पे जो है वो 8 फीट, फिर से एक बार दिखा देता हूं दोस्तों, यहां पे देखेंगे तो 8 फीट, ठीक है, और इस साइड से देखेंगे दोस्तों तो यहां पे देखेंगे 7 फीट, ठीक है। मतलब कि 15 फीट का जगह दोस्तों 10x15 का जगह ये सीढ़ी ले रहा ओवरऑल, ठीक है, टोटल। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है वो 10x3.5 का जो जगह है ये यहां से डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 3 फीट का जगह है, 3.5 फीट का, वो धीरे धीरे करके डिस्टर्बेंस बहुत ही कम हो गया दोस्तों। और आप इसके नीचे बिल्कुल जो है वो एक्वेरियम वगैरह या फिर और भी जो हॉल की चीज होती है, यहां तक कि एंट्रेंस भी दोस्तों दे सकते हैं सीढ़ी के नीचे, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सीढ़ी जो है वो लुक वाइज बहुत ही प्रीमियम है और साथ ही साथ दोस्तों आपके घर को एक नया लुक देगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारे घरों में इस तरीके के सीढ़ी आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है, अभी ये स्टार्ट हुआ है। जितना जल्दी हो सके दोस्तों इस तरीके की सीढ़ी अपने घर में बनवाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।